वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल्स एजुकेशन गुरुजी। आज इस चैनल में हम स्टडी करने वाले हैं कि कंक्रीट कोड केस ऑफ डैमेज कंक्रीट, केस ऑफ डैमेज ऑफ कंक्रीट। ओके, इसमें हम कंक्रीट को डैमेज करता है, मतलब कंक्रीट का स्ट्रक्चर होता है उसको डैमेज करने के अपने रीजन पड़ेगी कि कौन कौन से केस है। तो पहला वेदर, सिंपल वेदर, एक्सटर्नल मतलब वेदर मतलब जैसे विंटर वेदर हो गया, फिर रेनी सीजन विंटर समर ऐसे। ओके, और दूसरा हो गया कोरोजन, मतलब कोरोजन जो स्टील्स बार होते हैं वो वेद अपने एटमॉस्फेरिक स्टील बार होते हैं जो एटमॉस्फेरिक से रिएक्शन करके वो एक ब्लैक लेयर सब बन जाता है जिसे कोरोजन, या अपने हिंदी में बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं ना, जंक, और इसको कोरोजन भी बोलते हैं इंग्लिश में, वो हो जाता है दूसरा जिससे अपना कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर डैमेज होता है। तीसरा रीजन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है कि जो एटमोसफेयर या केमिकल्स होते हैं लाइक गैसेज उनसे रिएक्शन करते हैं उससे ये कोरोजन स्टील स्ट्रक्चर होता है वो खराब हो जाता है या केमिकल्स होता है उससे। तीसरा हो गया चौथा थर्मल स्ट्रेस, फोर्थ फिफ्थ नंबर का हो गया ड्राइंग श्रिंकेज। ओके, सिक्स नंबर का हो गया पुअर कंस्ट्रक्शन मीन्स होता है कि लो क्वालिटी मटेरियल यूज़ किया कंस्ट्रक्शन का वर्क में, और पुअर कंस्ट्रक्शन इससे हो जाएगा जिससे अपना कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर डैमेज होगा। सेवन्थ नंबर का होगा कंस्ट्रक्शंस ओवरलोड्स, मतलब कि जो स्ट्रक्चर है उस पर हैवी लोड हो गया, स्ट्रक्चर पे लोड हैवी है मीन्स हैवी लोड्स लाइक्स अपने वन स्टोरी का अपने स्टील बार और कंक्रीट स्ट्रक्चर डिजाइन अपने टू स्टोरी के लिए, अपने कोई भी स्ट्रक्चर डिजाइनिंग टू स्टोरी के लिए किया है और उस पर हमने फोर स्टोरी तक उसका स्ट्रक्चर डिजाइन हमने टू स्टोरी के लिए किया और कंस्ट्रक्ट कितने किया, फोर स्टोरी, तो इस पर हैवी लोड आ गया तो इसलिए कंस्ट्रक्शन जो कंक्रीट स्ट्रक्चर होगा वो डैमेज होगा। एट नंबर का हो गया एरर्स इन डिजाइंस, एंड डिटेलिंग मतलब मैथमेटिकल्स एरर्स लाइक कैलकुलेशंस एंड डिजाइन में अपने डिजाइनिंग की वो प्रॉपर वे में डिजाइनिंग नहीं की है या डिजाइन प्रॉपर वे में नहीं है इसलिए कंक्रीट स्ट्रक्चर डैमेज हो सकता है। नाइन्थ वाला हो जाएगा अपना स्ट्रक्चरल केस, मतलब स्ट्रक्चर केस हो गया एक्सटर्नल डेज एंड स्ट्रक्चर का होगा स्ट्रक्चर रिलेटिव केस, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर डिजाइनिंग इस फ्रेमवर्क में डिजाइनिंग नहीं है या स्ट्रक्चर डिजाइन प्रॉपर नहीं है, कॉलम्स लिंटर बीम लोड ट्रांसफर प्रॉपर नहीं है, लोड कैलकुलेशन प्रॉपर नहीं किया ऐसा स्ट्रक्चरल डिजाइन, ये अपने नौ रीजन से केस ऑफ डैमेज कंक्रीट को डैमेज करने का केस या कंक्रीट जो स्ट्रक्चर होता है वो डैमेज क्यों होता है। ये पहला वेदर कंडीशन रेन एरिया रेनी सीजन के अकॉर्डिंग, दूसरा कोरोजन जो स्टील वायर पे जंक लगती है जंक उसको बोलते हैं कोरोजन। ओके, थर्ड नंबर का हो गया केमिकल रिएक्शन, फोर्थ थर्मल स्ट्रेस, फिफ्थ ड्राइंग एंड श्रिंकेज, सिक्स्थ पुअर कंस्ट्रक्शन ओवरलोड, सेवन्थ एट नंबर का एरर एंड डिजाइन इन डिटेलिंग्स मैथमेटिक्स कैलकुलेटिंग डिजाइनिंग्स, और नाइन्थ का स्ट्रक्चर केस। थैंक यू, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना। ये मैं इस चैनल पर मैं सिविल रिलेटिव्स वीडियो अपलोड करता हूँ जिसमें मैंने सिविल रिलेटिव टेक्निक एंड टिप्स बताता हूँ आर्किटेक्ट्स वर्क के बारे में बताता हूँ। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना।